नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं। आज मैं आपको नरेंद्र मोदी की प्राइवेट लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, चाहे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो या कोई कैजुअल ओकेजन, मोदी हमेशा ही अपना सिग्नेचर हिंदी यानी हमारी राष्ट्रभाषा में ही करते हैं। फैक्ट नंबर 2, मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी एक कोर्स किया था। असल में मोदी ने यूएसए में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया था और आज उनकी पर्सनैलिटी से सारी दुनिया प्रेरित है। फैक्ट नंबर 3, मोदी असल में मैरिड हैं और उनकी वाइफ जशोदा बेन नरेंद्र भाई मोदी आज भी गुजरात में रह रही हैं। उनकी शादी का खुलासा 2014 के इलेक्शंस के समय हुआ था जब मोदी ने खुद को मैरिड क्लेम किया था। फैक्ट नंबर 4, मोदी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे, इसी कारण अपनी शादी के कुल 3 महीने बाद वो हिमालय की ओर निकल गए। मोदी ने अपनी जिंदगी के कई साल साधु संतों के साथ गुजारे। फैक्ट नंबर 5, मोदी एक लेखक भी हैं और मोदी ने अपनी मातृभाषा यानी गुजराती में काफी बुक्स भी लिखी हैं। लेखक से हटकर मोदी को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है और यही नहीं, मोदी ने अपने फोटोग्राफ फोटोज का एक बार एग्जीबिशन भी किया था जिसमें उनकी फोटोग्राफी की प्रतिभा खूब दिखी। फैक्ट नंबर 6, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ट्विटर पे सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें उनकी खुद की वाइफ, एक जापानीज जर्नलिस्ट और तीसरे हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ये चीज बताती है कि मोदी ने दूसरे कई देशों से कितने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। फैक्ट नंबर 7, मोदी एक गरीब परिवार से थे और उनके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे, तो मोदी ने करीब 7 सालों तक अपने पिताजी की मदद करते हुए रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। फैक्ट नंबर 8, 1990s के समय से ही मोदी को टेक्नोलॉजी का काफ़ी शौक रहा है और वो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के काफ़ी करीब रहे हैं और वो अपनी जनता से हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे ट्विटर और फेसबुक से जुड़े रहते हैं। पॉलिटिशियंस की कैटेगरी में ट्विटर पे बराक ओबामा के बाद मोदी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 9, मोदी गुजरात में करीब 13 सालों तक चीफ मिनिस्टर रहे, जिसमें से मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी। मोदी के लिए उनका काम और उनका देश ही सबसे ऊपर है। नंबर 10, अपने स्कूली दिनों में मोदी को ड्रामा का भी बहुत शौक था और वो काफ़ी नाटकों में भी हिस्सा लेते थे। फैक्ट नंबर 11, मोदी के घर के पास शर्मिष्ठा लेक थी जहाँ पर काफ़ी मगरमच्छ रहते थे। एक बार अपने दोस्तों के साथ वहाँ डुबकी लगाते समय एक मगरमच्छ ने मोदी पे अपनी पूंछ से हमला किया। मोदी को काफ़ी चोट लगी पर किस्मत से मोदी की जान बच गई। फैक्ट नंबर 12, मोदी हमारे देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया यानी 1947 के बाद पैदा हुए थे।